अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा समोसा। कीमा समोसा बनाने के लिए हमने ये समोसे की पट्टियाँ घर में तैयार कर ली हैं और मैंने अपने चैनल पर भी इसकी रेसिपी शेयर की है, आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा हमें कीमा चाहिए तकरीबन एक पाव मशीन का बारीक पिसा हुआ, एक प्याली बारीक कटी हुई चॉप प्याज चाहिए, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट चाहिए तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हमें नमक चाहिए 1 टीस्पून और हमें हल्दी चाहिए 1/2 टीस्पून। 2 टेबलस्पून हमें कुकिंग ऑयल चाहिए, एक प्याली हरा धनिया चाहिए जिसे हमने धोकर काट लिया है। इसके अलावा हमारे पास ये मसाले हैं जिसमें साबुत धनिया है 1 टेबलस्पून, साबुत लाल मिर्चें तकरीबन 15 से 20 अदद, 1 टेबलस्पून हमारे पास है सफ़ेद ज़ीरा, इसे हमने हल्का सा भून कर कूट लिया है, जो इस तरह से हमने इसे कूट लिया है, और ये 2 टेबलस्पून हमें मसाला चाहिए। चलिए आइए हम समोसे बनाएं। रहीम, आप अपने ये फ्राई पैन कढ़ाई या जो पैन है आपका उसे गर्म कर लीजिए, उसमें ये 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दीजिए। हमें ऑयल ज़्यादा नहीं चाहिए, 2 टेबलस्पून ही चाहिए। जैसे ऑयल आपका गर्म हो जाए इसमें ये आप अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है। हमारे पास 3 लहसुन के जवे थे, आधी जनरस का टुकड़ा था और तकरीबन 4 अदद हरी मिर्चें थी जिसका हमने पेस्ट बना लिया है। इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डलेगा जो 1 टेबलस्पून था, ये ले लीजिए। और इसके बाद हमारे पास है कीमा मशीन का बारीक पिसा हुआ, ये ले लीजिए और अब इसे भून लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कीमे ने पानी छोड़ दिया है अपना, लेकिन हमें फ्लेम को नॉर्मल रखना है और सिर्फ भूनते जाना है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये वो मसाला है जो हमने साबुत लाल मिर्ची, साबुत धनिया और ज़ीरा, जिसे हमने हल्का सा फ्राई करके हल्का सा सेक कर और उसको कूट लिया है मोटा मोटा, ये 2 टेबल स्पून है, ये हम ले लेंगे। इसके अलावा हमारे पास 1 टीस्पून नमक है और 1/2 टीस्पून हल्दी है, ये ले लेंगे। और इसे अच्छी तरह भून लीजिए। इसमें आप 1/2 कप पानी डाल दीजिए और इसे रख दीजिए पकने के लिए, क्योंकि कीमा है थोड़ा सा इसे गलना है, तो हम इसे रख देते हैं स्लो आंच पर तकरीबन 10 मिनट के लिए। नहीं, 10 मिनट हो गए हैं हमारे कीमे को फ्राई होते हुए और अब इसका पानी बिल्कुल जल गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। ये हमारे पास चॉप प्याज है तकरीबन 1 प्याली, वो डाल देंगे और अपनी चूल्हे की जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा तेज कर लेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो प्याज ना डालें, आप चाहें तो प्याज ज़्यादा भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो प्याज कम भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छी तरह भूनेंगे तेज आंच पर, क्योंकि प्याज जो है वो पानी छोड़ती है। ज़्यादा आप तेज स्लो आंच करेंगे तो वो प्याज जो है वो अपना पानी जो है वो छोड़ेगी, तो इससे ये मसाला ख़राब हो जाएगा। हमें ड्राई करना है बिल्कुल इस मसाले को, तो हमें तेज़ आंच पर इसे प्याज को थोड़ा सा इसके साथ मिक्स करके पकाना है ताकि प्याज जो है वो आपकी ट्रांसपेरेंट हो जाए और मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। दो से तीन मिनट तक हम इसे पकाएंगे जब तक प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट होती है। रहीम, ये देखिए हमारी जो प्याज है वो ट्रांसपेरेंट हो चुकी है और मसाला अच्छे से भून भी चुका है, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है इसका। अब हम इसमें हरा धनिया है हमारी प्याज 1 प्याली, वो डाल देंगे
और इसे भी मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये देखिए आप पेटीज बनाएं अगर उसमें भी आप इसको मसाले को बना सकते हैं। इसके अलावा आप कीमे की कचौरी बनाते हैं उसमें भी आप ये वाला मसाला ले सकते हैं। और समोसों के लिए तो ये मसाला बहुत अच्छा है, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मिक्स हो चुका है, पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है, हमारा मसाला बिल्कुल इसी तरह का चाहिए था, ड्राई ड्राई। ये देखिए ज़्यादा प्याज भी नहीं है इसके अंदर, प्याज भी हमारी बच चुकी है और सब तमाम मसाले मिक्स हो चुके हैं इसके अंदर अच्छी तरीके से। अब हम चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे मैं कोयले का धुआं दूंगी। खाने रहीम आप कोयले का धुआं दे दीजिए, कोयले को अच्छी तरह गर्म कर लीजिए और कोयले का धुआं दे दीजिए। खाने रहीम समोसे को बनाने के लिए हमें लही बनानी है। ये 1 टेबल स्पून मैंने मैदा ले लिया है, इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी और इसे स्पून की मदद से मिक्स कर लूँगी और लही बना लूँगी। ये देखिए हमें गाढ़ी गाढ़ी सी लही बनानी है ताकि समोसों की पट्टियों पर हम जब लगाएं तो वो चिपक जाए। ये देखिए ओके ये लही बना लीजिए, ये हमारी लही तैयार है। मान रही हूँ ये देखिए हमने कोयले का धुआं दे दिया है मसाले को अपने, बिल्कुल ड्राई है हमारा मसाला। अगर आप चाहें तो कोयले का धुआं दें, अगर आप चाहें तो ना दें। अगर आपको पसंद नहीं है स्मोकी तो आप ना दें स्मोकी टच, आप ऐसे ही रखें इसको ठीक है, लेकिन स्मोकी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए आइए अब हम समोसे की असेंबलिंग करते हैं। मान रहीम ये आप समोसा पट्टी ले लीजिए, ये देखिए इस तरीके से किनारों को ऐसे और फिर इस तरीके से मोड़ लीजिए। और अब आप इसमें 1 टेबल स्पून या चाहे तो ज़्यादा और इसे अच्छी तरीके से दबा दीजिए ठीक है, ऐसे फिंगर की मदद से आप दबाइए और दबाने के बाद इसे इस तरीके से टर्न करते जाइए। ये देखिए ठीक है, ये देखिए आपका समोसा बन गया। फिंगर की मदद से आप इस पर लही लगा लीजिए और इसे फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए आपका समोसा रेडी। इसी तरीके से हम और समोसे बना लेंगे। ये आप पट्टी ले लीजिए समोसा पट्टी और ये कॉर्नर को इस तरीके से इस पर रखिए और यहाँ से पकड़कर आप इसे समोसे का शेप दे दीजिए। इसमें आप 1 टेबल स्पून जितना कीमा डाल दीजिए और फिंगर की मदद से इसे भर लीजिए। ओके फिंगर की मदद से इसे भर लीजिए और फिर इसके बाद इसको इस तरीके से ये देखिए ओके, और इस पर आप लही लगाते जाइए और आपने समोसे को पैक कर दीजिए। ये देखिए मान रहीम ये देखिए हमारे सारे समोसे तैयार हो गए हैं, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। चलिए आइए हम फ्राई करें। मान रहीम कढ़ाई में अब अपना तेल गरम कर लीजिए और तेल गरम करने के बाद समोसों को डाल दीजिए और फ्राई कर लीजिए। ये देखिए हमारे समोसे हैं गोल्डन होते जा रहे हैं, इसको बिल्कुल ज़्यादा पकाना नहीं है कि वो ब्लैक हो जाएं, बस गोल्डन गोल्डन हो, तो आप इसे निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरीके से हो तो आप इसे निकाल लीजिए। रहीम ये देखिए हमारे सारे समोसे जो हैं वो गोल्डन हो चुके हैं, अब हम निकाल लेंगे।
समोसों की पट्टियाँ घर में बनाई थी, तो ये इसके साइड की जो पट्टियाँ थी वो निकली है, तो अब हम इसे ज़ाया नहीं करेंगे, इसकी हम पापड़ी बनाएंगे। ये देखिए, इसको आप इस तरीके से काट लीजिए चौकोर पीसीज में। ये देखिए, इस तरीके से आप इसे काट लीजिए, चौकोर चौकोर इस तरीके से काट लीजिए, और इसे अब हम फ्राई करेंगे। इसी तरीके से सारी आप अपनी समोसा पट्टी जो है उसे काट लीजिए। देखिए, इस तरीके से काटने के बाद इसे फ्राई करेंगे। मान जाएंगे, देखिए हमारी जो पापड़ी जो समोसा पट्टी बची हुई थी उसे ज़ाया नहीं करेंगे, उसे इस तरीके से हम डाल देंगे और ये हमारी जो है पापड़ी बन जाएगी। इसे भी हमें गोल्डन कर लेना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए हमारी जो पापड़ी है वो भी बिल्कुल रेडी है। जब इस तरह से ये गोल्डन हो जाए तो इसे भी आप निकाल लीजिए। आप चाट के ऊपर भी इसे सर्व कीजिए, बहुत मज़े की लगती है, या सादी स्नैक्स के तौर पर भी शाम को बच्चों को तल के दीजिए तो भी बहुत अच्छी लगती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ज़ाया मत कीजिएगा, इस तरीके से बनाइए। मानी रहीम, ये देखिए हमारे समोसे बिल्कुल रेडी हैं, घर में हमने तैयार किए। आप भी इसी तरीके से घर में बनाइए। और समोसा पट्टी जो है उसको हमने ज़ाया नहीं किया, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसको फ्राई कर भी बताऊंगी। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए, आप इसको पापड़ी के तौर पर बच्चों को शाम को स्नैक के तौर पर बना के दीजिए, बहुत मज़े की बनती हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकअल्लाह।